गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड कूलम्ब्स लॉ हम लोग देख रहे हैं। आज थर्ड लेक्चर लेकर के आपके सामने आए हैं। आज के क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखे थे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि चार्जेस क्या होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में चार्ज पर हमने बात किया था। सेकेंड लेक्चर में चार्ज प्रोड्यूस कैसे करते हैं, चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, लगभग 8-10-12 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखे थे चार्ज के बारे में, और चार्ज का प्रोड्यूस कैसे करते हैं, चार्ज को फ्रिक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, इन सब द्वारा चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आज के क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ देखने चल रहे हैं। कौन सा लॉ? कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, इसको देखिएगा। जो हमारा मैटर है, मैटर है हम लोग का, मैटर के पास दो चीज़ें होती हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक, मैटर के पास मास होता है और चार्ज होता है। मास और चार्ज होता है। जो मास कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रेविटेशन के लिए। ग्रेविटेशन के लिए। और जो चार्ज है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेविटेशन कहने का मतलब क्या है यहां पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस जगह क्या है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मास का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक? चार्ज कैरेक्टरिस्टिक होता है। आपको याद होगा, न्यूटन ने किसके बारे में बात किया था? ग्रेविटेशन के बारे में। न्यूटन साहब ने किसके बारे में बात किया है? ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता था वहां पे? एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। जी यहां पे क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह सकते हैं हम लोग इसको, कांस्टेंट। एम वन क्या था? मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अगर दो मासेस हैं आपके पास, ये एम वन और ये क्या है एम टू, अगर दो मास है आपके पास, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर है। तब इनके बीच में जो फोर्स लगता था, वह फोर्स किसके बराबर होता था? एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर के बराबर होता था। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में कूलम्ब्स ने भी, भाई मैटर के ही कैरेक्टर है मास और चार्ज। न्यूटन ने मास के कैरेक्टर को लेकर के दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स की बात की है। न्यूटन मास को लेकर के दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स के बारे में बात किया है। उसी तरीके से कूलम्ब्स ने क्या किया है? मैटर के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को उठाया है, और जब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को उठाया है तो उसके कारण जो फोर्स लग रहा है उनके बारे में बात कौन किया है? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन को देखते हुए इन्होंने क्या निकाला था? एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा न्यूटन के दो स्टेटमेंट्स सुनिएगा। न्यूटन ने दो लॉ दिए थे और उसी लॉ पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकल कर के आया था। न्यूटन ने क्या कहा था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मैसिव बॉडीज आर फिक्स्ड, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। और दूसरा बात उन्होंने क्या कहा था कि इफ द मास ऑफ टू बॉडीज आर फिक्स्ड, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
between them is reciprocal of square of distances between them. Reciprocal of square of distances between them. ठीक है, वहां से क्या इक्वेशन निकल करके आया था हमारे लिए, एफ प्रोपोर्शनल एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए एक कांस्टेंट हमारे पास क्या आया था, जी, जिसका नाम हम लोगों ने क्या दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम दिया है. और टोटल एक्सप्रेशन क्या बना फोर्स के बारे में, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर. ये कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. मैटर के कौन से कैरेक्टरिस्टिक के कारण ये फोर्स है, मास के कारण. ठीक है, मास कैरेक्टरिस्टिक के कारण. और चार्ज के कारण सेम कूलॉम ने रिलेट किया है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. एक डिफरेंस आप इसके बारे में और दिमाग में रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं. क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है. तो चलिए हम लोग कूलॉम्स लॉ देखने चल रहे हैं, क्या कहता है कूलॉम्स लॉ. पहला स्टेटमेंट देखिएगा, फर्स्ट थिंग कूलॉम्स ने क्या कहा था, कहा था इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस आर फिक्स्ड देन the force of attraction or repulsion between them is directly proportional टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सेकेंड थिंग क्या कहा था, मतलब यहां से क्या कहा उन्होंने, इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू. अगर हम एक आपको चार्ज का सिस्टम दिखाएं तो ये हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, दिस इज क्यू वन, दिस वन इज क्यू टू. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल आर. देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू वन इंटू क्यू टू. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहा, अगर मैग्नीट्यूड चार्ज का हम फिक्स करते, जो न्यूटन ने कहा है सेम चीज इन्होंने भी कहा है. क्या कहा इन्होंने, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर फिक्स्ड, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन repulsion is inversely proportional, to square of distances between them, और यहां से आप क्या कह सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर. ये दो बातें कूलॉम ने कही. पहला बात क्या कहा कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज आर फिक्स्ड देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज
if directly proportional to q1 into q2. And what is the second statement? The second statement is, if the magnitude of charges are fixed, then the force of attraction or repulsion is inversely proportional to square of distance between them, that is F proportional 1 by R square. आगे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अब कंबाइन करते हैं, ठीक है? तो इसको हम रफ करते हैं. देखिए अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या निकला, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 इंटू q2, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या निकला, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. देखिए फोर्स है दोनों, यहाँ भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और चार्ज के बारे में ही बात हो रहा है. फोर्स प्रोडक्ट के भी प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है. अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 एंड 2. जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या निकल करके आएगा हमारे पास, एफ प्रोपोर्शनल q1 q2 बाय आर स्क्वायर. और आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ इक्वल्स टू के q1 q2 बाय आर स्क्वायर. तो k क्या है यहां पे, k क्या मिला हम लोगों को इस जगह पे, k कह सकते हैं आप कूलॉम्स कांस्टेंट है, कूलॉम्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट. और क्या इसके बारे में है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम. क्या है ये, मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विथ मीडियम. कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विथ मीडियम, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विथ मीडियम k. अब बात करते हैं इस k की, k का वैल्यू क्या होता है. तो k का बात करने से पहले हम लोग परमिटिविटी थोड़ा सा देखते हैं यहीं पे. परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या है, परमिटी इज द कैरेक्टर, जो k है, k कैरेक्टरिस्टिक है मीडियम का, दैट मीन्स the value of k depends on the permittivity of medium. ठीक है, तो permittivity भी क्या है, characteristic of medium है ये, characteristic of medium. of medium. अब ये करता क्या है, which affects which affect the forces, yeah, which affect the force between two charges in the medium, in the medium. Permittivity, और इसको दिखाते किससे हैं permittivity को, epsilon. परमिटिविटी को किसे दिखाते हैं, एप्सिलॉन से. अब एप्सिलॉन के बारे में, परमिटिविटी के बारे में एक चीज आप देख रहे होंगे, इसमें एक वर्ड आया है हमारा, अगर इतना पार्ट देखते हैं तो यह है परमिट. परमिट करना मतलब अलाउ करना. मान लीजिए कि ये दो चार्ज्ड बॉडी हैं और हमने क्या किया है, इनको किसी पानी में रखा है, मीडियम में, वाटर में रखा है. दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा. अगर हम इनको वाटर में रखे हुए हैं
तो ऐसा समझिएगा कि ये 100 लाइंस निकाल रहा है फोर्स के लिए, इस पर लगाने के लिए। तो इसका इफेक्ट 100 के 100 इस पर होना चाहिए। लेकिन वाटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वाटर ने क्या किया कि 90 लाइंस को रख लिया है अपने पास और मात्र 10 लाइन का इफेक्ट इसके पास पहुंचने दे रहा है। ठीक है, कितना का पहुंचने दे रहा है, 10 का पहुंचने दे रहा है। और किसका रखा है, कितना रखा है, 90। कितने में से रखा है, 100 में से रख लिया है। अब वो जो 90 रखा है ना, तो परमिटिविटी वाटर का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90 जो रख लिया, अलाउ किसको किया है, मात्र 10 को। तो किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी है उसके कारण फोर्स डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है, या वही नहीं रहने देता है। अगर वाटर कोई इफेक्ट नहीं डालता तो कितना होता, 100 लाइंस के साथ द्वारा इस पर फोर्स अगर लगा रहा था तो 100 लाइन ऑफ फोर्स इसके पास जा रहे होते, और 100 से ये इस पर अब फोर्स अप्लाई करता, दैट फोर्स विल बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्जेस, बिकॉज वी नो दैट लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब मान लीजिए आप इसको एयर में रखे हुए हैं, एयर में क्या हुआ, हो सकता है कि एयर में क्या करें, यहाँ से जो 100 लाइंस निकल रही थी इसको फोर्स लगाने के लिए, 100 में से मात्र 40 को ये एब्जॉर्ब किया, 60 तक गया। ठीक है, तो जो 40 हुआ, जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्ब करके रख ले रहा है, वो क्या कहलाएगा, परमिटिविटी। एक तरह से कह सकते हैं परमिटिविटी जो है किसी मीडियम का रिश्वत वाला नेचर है, कि हम इलेक्ट्रिक लाइंस को, इलेक्ट्रिक फोर्स को अपने अंदर अलाउ करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो क्या कर रहा है परमिटिविटी, फोर्स इंक्रीज कर रहा है कि फोर्स डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने का काम कर रहा है। तो जो के का वैल्यू है एप्सिलॉन पर जो डिपेंड करता है, वह एप्सिलॉन किस तरह से डिपेंड करेगा, 1/एप्सिलॉन में जाएगा, कितना में, 1/एप्सिलॉन में। क्यों, क्योंकि जो एप्सिलॉन है, कैरेक्टर परमिटिविटी है मीडियम का, वो फोर्स डिक्रीज करता है, न कि फोर्स को इंक्रीज करता है। दूसरा बात क्या है, अगर ये चार्ज है अपने चारों तरफ लाइंस निकाल रहा है, इस तरीके से अपने चारों तरफ फोर्स लगाने के लिए लाइंस निकाल रहा है, यहाँ दूसरा चार्ज है, ये मान लीजिए Q2 चार्ज है और ये Q1 चार्ज था, तो ये क्या कर रहा होगा, इस पर जो भी निकाल रहा है, ये चारों तरफ का टोटल एंगल कितना होता है, 4π होता है, सॉलिड एंगल, चारों तरफ का टोटल एंगल कितना होता है, 4π। क्या जो 4π एंगल में सारे के सारे लाइंस निकल रहे हैं, क्या सारे लाइन इस पर फोर्स लगा रहे हैं, क्या नहीं, सिर्फ इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, एक डायरेक्शन से आने वाला जो लाइन है वो फोर्स लगाएगा दोनों के बीच में। तो क्या कहोगे कि हमको 4π नहीं चाहिए, टोटल लाइंस को 4π से डिवाइड कर दीजिए, तो एक लाइन पर जो फोर्स, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि चारों तरफ टोटल कितने एंगल्स हैं, 4π, तो समझ लीजिए कि 4π लाइन से यहां से निकल रहा है। हमको कितना लाइन से मतलब है, एक लाइन से मतलब है, तो क्या करते हैं, 1/4π, क्या होता है हमारे पास, 1/4π, यही हमारा जो k है वह क्या होता है, 1/4π epsilon, 1/4π epsilon। तो कूलम्ब्स फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/4π epsilon की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4π epsilon Q1 Q2 by R square, हम epsilon m लिख दे रहे हैं। m क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मीडियम के लिए, जिस भी मीडियम में आप रखे हैं फोर्स क्या होता है, 1/4π epsilon m Q1 Q2 by R square। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, अगर हमारे पास मीडियम फ्री स्पेस या फिर क्या है, एयर है, फ्री स्पेस है या फिर क्या है, एयर है, इफ द मीडियम इज फ्री स्पेस और एयर,
अगर मीडियम क्या है, फ्री स्पेस है या फिर क्या है, एयर है, तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो परमिटिविटी है यहां पे जो हम परमिटिविटी यूज करेंगे, ये परमिटिविटी क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, नॉट, NAUGHT, नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट है क्या एक्चुअली, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर किसकी बात करेंगे, एयर की बात करेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैल्यू क्या होता है इसका, थोड़ा सा देखिएगा, 8.85 × 10^-12, चलिए यूनिट की बात कीजिएगा, एप्सिलॉन का हम लोग यूनिट की बात करते हैं, तो एप्सिलॉन अगर चाहिए तो एप्सिलॉन को लेफ्ट साइड में लेकर के आइए, और फोर्स कहां आ जाएगा, नीचे, तो ऊपर में क्या दिख रहा है, कूलॉम और कूलॉम, क्योंकि दो चार्जेस हैं, तो कूलॉम स्क्वायर। उसके बाद नीचे में क्या दिख रहा है, फोर्स, तो नीचे वाले को पावर माइनस वन फोर्स पर न्यूटन, और डिस्टेंस भी कहां है, नीचे ही है, तो पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10^-12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब मीडियम हमने जब 8 पॉइंट एयर ले चुके हैं हम लोग, और परमिटिविटी हमको उसका पता है, तो क्या इस जगह पे हमको के का वैल्यू नहीं पता होगा, के कितना होता था, 1/4 pi एप्सिलॉन देखते थे मीडियम का, और मीडियम हमारा क्या है, फ्री स्पेस है या फिर क्या है, एयर है, और उसका परमिटिविटी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए तो कितना वैल्यू निकल के आएगा, जब आप 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व कीजिएगा, तो ये 9 × 10^9। अब हम के का यूनिट थोड़ा सा चाहिए, देखिएगा ये हमारा के है टोटल, ये टोटल क्या था हमारा, के, के को रख लीजिए लेफ्ट साइड में, आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, तो यह न्यूटन ऑलरेडी है, फोर्स है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलॉम स्क्वायर कहाँ आने वाला है, नीचे, तो क्या होगा ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। नाउ व्हाट इज द फोर्स, एफ इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। आपको 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, 9 × 10^9 होता है। अब हम किसी मीडियम में बात करते हैं, मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं, व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, परमिटिविटी क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम है या प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, which affect the force between two charges था। आगे हम लोग देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और वहां से हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन आर। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। क्या होता है ये एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी जो है, रिलेटिव मतलब किसी भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो जब हम किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे, तो देखेंगे मतलब एक परमिटिविटी हमको पता होना चाहिए हम लोगों को, जिसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे मीडियम का क्या करेंगे, परमिटिविटी मेजर करेंगे। तो देखिए तो क्या हम लोगों को फ्री स्पेस का परमिटिविटी नहीं पता है क्या, 8.85 × 10^-12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या होता है ये, परमिटिविटी ऑफ मीडियम,
परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब जहां कुछ भी नहीं है, और एयर को भी हम लोग एज अ फ्री स्पेस ही कंसीडर करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, और रिलेटिव परमिटिविटी इज एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों को केवल अगर हम लिखते हैं तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से एप्सिलॉन एम का वैल्यू क्या निकल के आने वाला है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा मीडियम में, हम लोगों को क्या गिवन रहता है, एप्सिलॉन नॉट हम लोगों को पता है, एप्सिलॉन आर दी, या तो डायरेक्ट आपको मीडियम का परमिटिविटी दिया रहेगा या फिर मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा, दैट इज एप्सिलॉन आर। तो एक बार फोर्स इन मीडियम हम लोग क्या बात कर सकते हैं, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 pi मीडियम का परमिटिविटी, और Q1 Q2 बाई कितना लिखोगे आर स्क्वायर, और इसी का वैल्यू कितना निकल करके आएगा हमारे पास 1/4 pi। देखिए तो मीडियम का परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा किसी मीडियम के अंदर फोर्स। तो एक और हम लोग करते हैं, हम लोग अगर इसको नॉट नाम दें, कहें एयर में फोर्स है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और मीडियम में फोर्स है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अगर हम दोनों का क्या कर दें रेशियो ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट सॉरी एफ नॉट बाई एफ एम मीडियम में फोर्स, एफ नॉट बाई एफ एम, तो देखिए तो एफ नॉट के बाद 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना है आर स्क्वायर, और इनके पास भी कितना है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और साथ ही साथ कितना है एप्सिलॉन आर है, और एप्सिलॉन आर कहाँ है डिनोमिनेटर में। ठीक है, आप क्या लिखोगे 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सारा चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ आपके पास एप्सिलॉन आर बचेगा, और एप्सिलॉन आर कहाँ चला जाएगा न्यूमेरेटर में। तो एक और चीज़ आप क्या कह सकते हो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन फ्री स्पेस बाई फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो दो चार्ज के बीच में फोर्स आप देख लीजिए फ्री स्पेस में, और उन्हीं दो चार्ज के बीच में फोर्स देख लीजिए आप उस मीडियम में, उन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो निकल के आएगा वह रेशियो क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। कभी कभी हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, आगे देखेंगे हम लोग जब डाइइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, इनको हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके हम लोग एक फिक्स सिंबल बनाए हैं वहां पे के। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नया चीज नहीं होगा वहां पे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यही होता है जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो इन दोनों चीजों को दिमाग में रखिएगा, फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यूनिट, तो आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होगा, हम एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकाल करके आप देख लिए, आप चाहे तो डायमेंशन भी एप्सिलॉन नॉट का निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर आप यहीं से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, एक्चुअली कूलॉम का डायमेंशन क्या होता है आई इंटू टी, न्यूटन नीचे में है, न्यूटन का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और मीटर स्क्वायर भी नीचे है,
तो एल टू हो जाएगा। आप सबको सॉल्व करके इनका डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखने चल रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्या देखेंगे? सिग्निफिकेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। सिग्निफिकेंस है कूलॉम्स लॉ के, तो पहला है कि इट इज फिजिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको ऑब्जर्व किया है कूलॉम्स लॉ को, और इसको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं कूलॉम्स लॉ को। ये कूलॉम्स के द्वारा ऑब्जर्वेशन है, मेनी टाइम्स बार बार दो चार्ज अलग अलग चार्ज मैग्नीट्यूड चेंज करके देखा गया फोर्स को, डिस्टेंस को चेंज करके देखा गया फोर्स को, तो हर बार जो रिलेशन आता था कि फोर्स चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और उनके बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के का वैल्यू अभी हम लोग देख के आए कुछ देर पहले, तो ये एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन है और इसको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ यूनिवर्सल है, हर जगह वैलिड है। कूलॉम्स लॉ भी क्या है? यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है ये। अच्छा, होल्ड गुड फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलॉम्स लॉ जो है किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है ये। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने, चार्ज लार्ज नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तब जाकर के कूलॉम्स लॉ अच्छी तरह से वैलिड है वहाँ पे। ठीक है, एक और चीज़, ये ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स होता है, आपको पता भी होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलॉम फोर्स है, वो कैसा फोर्स है? स्ट्रांग फोर्स है। इट इज़ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब वैसे फोर्सेस जिनके अगेंस्ट में अगर हम काम करें तो जो एनर्जी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो एनर्जी स्टोर हो जाता है। अगर स्टोर कर पाता है तो कैसा है? कंजर्वेटिव है, मतलब एनर्जी हमारा बर्बाद नहीं कर रहा है। तो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, वैसे ही कूलॉम फोर्स भी कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पता होगा कि हर एक फोर्स जो है, अगर किसी एक फोर्स दूसरे फोर्स पर, इस बोर्ड पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं तो हम एक्शन कर रहे हैं, तो ये बोर्ड भी हम पर रिएक्शन कर रहा है। तो एक चार्ज अगर दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है तो दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर फोर्स लगाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, अब आ जाइए, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। जैसे यदि दो पॉइंट चार्ज आपके पास हैं, ये पॉइंट चार्ज Q1 है, ये Q2 है, और यहाँ एक पॉइंट चार्ज Q3 है, तो जो फोर्स है इनके बीच में, Q1 और Q2 के बीच में, अगर इनके बीच में डिस्टेंस R है, ठीक है, तो अभी भी पहले फोर्स कितना होता था? 1 pi 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square। इसके आ जाने के बाद भी इनके बीच में फोर्स कितना होगा? 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square। याद रखिएगा, हम एप्सिलन यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है। अगर एयर होगा तो एप्सिलन नॉट होगा, और कोई मीडियम का अगर परमिटिविटी आपको पता है तो आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। वैलिड ओनली व्हेन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 10^-15 meter। ठीक है, मतलब जब दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस 10^-15 meter, सिर्फ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है ये, बहुत छोटा डिस्टेंस है, अगर 10^-15 meter से ज़्यादा डिस्टेंस है तभी कूलॉम फोर्स काम करेगा, नहीं तो अगर 10^-15 से कम डिस्टेंस हुआ तो कूलॉम फोर्स काम नहीं करते हैं। वहाँ पे एक नया फोर्स का जन्म होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस, जो कि आप देखे होंगे कि एटम के न्यूक्लियस में क्या रहते थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते थे, दैट मीन्स उनको आप न्यूक्लियॉन्स कम्बाइंडली कह सकते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स जो एक दूसरे को बांध करके रखते हैं वो किसके कारण रखते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्टेंस होता है उनके बीच में, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में, वह 10^-15 meter से क्या होता है? कम होता है। तो ये 8 प्रॉपर्टीज हम लोग याद रखेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कूलॉम्स का लॉ हम लोग वेक्टर फॉर्म में, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या होगा देखिएगा, दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक चार्ज है क्यू वन और एक चार्ज है क्यू टू, इनके बीच में डिस्टेंस पता है आर है। अगर दोनों आप लाइक चार्ज लिए दैट मीन्स ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव है, तो इस पर एक फोर्स इधर लग रहा होगा क्योंकि रिपेल कर रहे होंगे, और फर्स्ट वाले पर एक फोर्स किधर लग रहा होगा लेफ्ट साइड में। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का सिंबल हम लोग दे देते हैं। यह फोर्स किस पर है Q2 पर है, किसके कारण है Q1 के कारण। तो आप ऐसा कह सकते हैं फोर्स ऑन टू, दिमाग में रखिएगा फोर्स ऑन टू जिस पर लग रहा है उसको पहले लिख रहे हैं ड्यू टू वन एफ टू वन, और इसको क्या कहेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो एफ वन टू। अच्छा चलिए हम इस हर एक वेक्टर दिखा रहे हैं, ये जो वेक्टर है इसको हम कह रहे हैं आर वन टू वेक्टर। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा वो कौन सा वेक्टर होगा आर सॉरी वन टू वेक्टर नहीं टू वन वेक्टर, पोजिशन वैक्टर ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, और इधर क्या होगा पोजिशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, ये आर वन टू वैक्टर होगा। तो बताइए फोर्स ऑन क्यू टू क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फोर्स ऑन क्यू टू इज क्या था ये एफ फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू किसके लग रहा था क्यू वन के, क्या करेंगे आप वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम मीडियम एयर लिए हैं तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आर टू वन कैप, टू से वन टू की तरफ वन से जो जा रहा है आर टू वन कैप। उसी तरह से फोर्स ऑन क्यू वन कितना हो जाएगा फोर्स ऑन क्यू वन, तो क्या था एफ वन टू दैट इज इक्वल टू ये क्या होगा ये भी हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस अभी भी सेम है यहाँ पे भी, और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे पोजीशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, तो कैप लगा देंगे। कैप यूनिट वेक्टर का क्या है ख्याल हमारा, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करता है, अगर आप यूनिट वेक्टर को किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ता है, एक चेंज होता है क्या उस मैग्नीट्यूड के पास डायरेक्शन भी आ जाता है। थोड़ा सा इनको हम और आगे लेके चलते हैं, क्या 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर जो है, अगर हम इस जगह पे फुल वेक्टर लिख दें आर टू वन मतलब पोजीशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो नीचे क्या होगा करना होगा यूनिट वेक्टर के लिए उसी के मॉड से डिवाइड करना होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना लिए हम लोग आर लिए हैं, ये कितना निकल करके आएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यूब हो जाएगा, तो फुल वेक्टर कितना होगा यहाँ पे आर टू वन। सिमिलरली आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई, देखिए तो इसको आप आर वन टू अगर लिखते हैं फुल वेक्टर लिखते हैं इसको, तो नीचे एक और आर लेकर के आना होगा डिस्टेंस जो मैग्नीट्यूड है दो ऑलरेडी हैं, यहाँ कितना हो जाएगा आर क्यूब, तो ये वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक ना। अब एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे आप F21 का डायरेक्शन किधर है राइटवर्ड और F12 का डायरेक्शन किधर है लेफ्टवर्ड, जब डायरेक्शन दोनों के अपोजिट हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि F12 जो है वह निगेटिव है किसका F21 के, दैट मीन्स F12 पर अगर हम वेक्टर साइन न लगाएं तो किसकी बात कर रहे हो मैग्नीट्यूड का, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा और डायरेक्शन में दोनों क्या रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको देखिएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा
मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, एक चार्ज इस जगह है Q1 और एक चार्ज यहाँ है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है R1, ये ओरिजिन है, और इसका पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है। तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अगर हम इस वेक्टर की बात कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू क्या है ये 1, जो कि क्या लिखोगे आप, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स क्या निकल करके आएगा, सेम चीज आप लिख सकते हो कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, दोनों के बीच में डिस्टेंसेस क्या होंगे, तो R2 माइनस R1 के मॉड का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या लोगे, R21 का कैप लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ वेक्टर साइन लगाना मत भूलिएगा, एफ ए बी क्या होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, मैग्नीट्यूड से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, R1 माइनस R2 करें चाहे R2 माइनस R1 करें, यहाँ क्या हो जाएगा R12 कैप, और R12 कैप क्या होगा, R1 माइनस R2, पोजिशन वैक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, पोजिशन वैक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो ये हमारा जो था कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में प्रीवियस देखे थे, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ पर हमारा काम खत्म होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या कहता है, पहले देख लीजिएगा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इफ वी हैव नंबर ऑफ चार्जेस देन the force on one charge is vector sum of forces due to all other चार्जेस, ऑल अदर चार्जेस। इधर देखिएगा, हमारे पास एक चार्ज Q है, इस चार्ज Q के आसपास Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इस तरह से n चार्जेस हैं, ठीक है। एक चार्ज हम बीच का ले लेते हैं I क्या वैल्यू लेगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। तो Q पर जो टोटल फोर्स हम लोग को निकालना है, वह टोटल फोर्स किसके बराबर होगा, इन सब चार्जेस के द्वारा फोर्स निकालिए और वेक्टोरियली उनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 या आप कर दीजिए FI प्लस FN, ठीक है। F1 का वैल्यू कितना होगा, अच्छा इनका डिस्टेंसेस भी दिया हुआ है, R1, R2, R3, R4 डिस्टेंस, और वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, इस तरीके से। तो कैप लगा दीजिएगा, हम लोग कैप लगा लेंगे 1/4πε0, अगर एयर मीडियम है तो Q1/R1 स्क्वायर वेक्टर में R1 कैप प्लस 1/4πε0 Q2/R2 स्क्वायर, यहाँ पे R2 कैप प्लस ith चार्ज के लिए क्या होगा 1/4πε0 Q Qi/Ri का स्क्वायर Ri कैप प्लस n तक जाएगा,
सब में आप क्या कर सकते हैं, 1/4 pi epsilon naught आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा, और q भी कॉमन दिख रहा होगा सब में। बच क्या रहा है, q1 by r1 square r1 cap plus q2 by r2 square r2 cap plus qy by ri square ri cap plus ... एन तक जा रहा होगा, जिसको फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन q इज इक्वल टू q/4 pi epsilon naught समेशन सिग्मा का साइन i इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक ली हम लोग, n तक। तो जनरल टर्म जो है उसको उठा लीजिए, qy/ri² ri कैप, ठीक है। तो ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं तो एक चार्ज पर फोर्स निकालना है, बाकी सारे चार्जेस के कारण फोर्स निकाल लीजिए और उनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अगला जो है हम लोग देखने चलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो दो तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। जब आप किसी नॉन कंडक्टर को या फिर इंसुलेटर को चार्ज देते हैं, तो इंसुलेटर को जब हम लोग चार्ज देते हैं तो जहां पे हम लोग चार्जेस को प्लेस करते हैं चार्ज वहीं रहते हैं, क्योंकि इंसुलेटर में या नॉन कंडक्टर में चार्ज फ्लो नहीं कर सकते हैं। तो जिन दो पॉइंट्स पर, मान लीजिए कि ये कोई इंसुलेटर है, आपने एक चार्ज यहाँ दिया है, कुछ यहाँ पे Q1 चार्ज दिया है, इस जगह पे Q2 चार्ज दिया है, तो आने वाले समय में भी ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में एक इनफाइनाइट सेपरेशन होगा, कंसिडरेबल सेपरेशन होगा इनके बीच में। तो जब दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कंसिडरेबल सेपरेशन हो, तो हम कहेंगे कि वैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं पे अगर आप कंडक्टर को चार्ज देते हो, थोड़ा सा भी चार्ज आप देते हो ना, तो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके सर्फेस पर। कोई भी दो पॉइंट के बीच में कंसिडरेबल सेपरेशन नहीं है, माइन्यूट सेपरेशन, एक पॉइंट है जस्ट उसके बगल वाले पॉइंट के पास भी चार्ज होगा। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां कंसिडरेबल सेपरेशन नहीं होगा, दो एडजेसेंट पॉइंट चार्ज के बीच में, इन बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट चार्जेस, क्या कह सकते हैं, नो सेपरेशन, कोई सेपरेशन नहीं होगा, तब आप लोग उसको क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप कह सकते हैं चार्ज ऑन कंडक्टर, और इस पे किस में कह सकते हैं हम लोग, चार्ज ऑन इंसुलेटर। तीन तरह के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है।
एक लीनियर, एक सरफेस, और तीसरा वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे हम लोग एक लाइन को चार्ज देंगे। और जब लाइन को चार्ज देंगे, मान लीजिए हमारे पास वायर है मेटल का, उसको अगर आप चार्ज देते हैं तो पूरे लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनको किससे दिखाते हैं हम लोग? लैम्डा से। लैम्डा अगर आपने इसको क्यू चार्ज दिया है और लेंथ इसका एल है, तो एक्चुअली क्या होगा, क्यू बाई एल, या आप इसको कैलकुलस में डेरिवेटिव फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई, पहले डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, या फिर डी क्यू बाई डी एल। ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या है ये, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ये क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया। और इसको किससे दिखाते हैं, मान लीजिए ये आपके पास सीट है, इस पर चार्ज देंगे तो इसके सीट पर हर जगह चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिग्मा से दिखाते हैं हम लोग इसको, और सिग्मा क्या होगा यहाँ पे, अगर चार्ज आपने क्यू दिया है, इसका एरिया ए है, तो क्यू बाई ए, या फिर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए, या फिर डी क्यू बाई डी ए। उसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप एक वॉल्यूम है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है, आप इसको चार्ज दिए हैं, क्यू चार्ज दिए हैं, और इसका वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो सो दिखाते हैं। रो क्या हो जाएगा, क्यू बाई भी, या फिर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा भी, चेंज इन चार्ज बाई चेंज इन वॉल्यूम, या फिर डेरिवेटिव फॉर्म में क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी भी लिख सकते हैं। तो ये तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा यूनिट की बात कीजिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट जो होता है वह होता है, देखिए तो कूलॉम पर मीटर, तो यूनिट की बात करेंगे कूलॉम पर मीटर। इसका क्या होगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, नीचे में क्या है एरिया, और वॉल्यूम वाले का क्या होगा, कूलॉम पर मीटर क्यूब, नीचे क्या है वॉल्यूम। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आप डेंसिटी भी कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आगे जब हम लोग गॉसस लॉ वगैरह देखेंगे तो वहाँ तीनों का जरूरत पड़ेगा हमको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ। तो आई होप कि आप इंजॉय किए होंगे और कुछ सीखे होंगे इस फर्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, एक क्लास हम लोग न्यूमेरिकल के लिए लेकर के आएंगे, कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड क्या न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो हमारा एक क्लास होगा न्यूमेरिकल पर, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में शुरू करेंगे।